नमस्कार, मैं अमकित सिंह और आप देख रहे हैं नचार न्यूज। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि नेपाल भूकंप प्रभावित तुर्की में मेडिकल टीम और जरूरी सामान भेजने वाला है। और नेपाल इस हादसे का पहले भी शिकार हो चुका है, क्योंकि नेपाल में भी कई बार भूकंप आया है। और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद नेपाल सरकार देश की मदद के लिए एक मेडिकल टीम और आवश्यक सामग्री भेजने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि तुर्की में अभी तक इस भूकंप से कितना बड़ा नुकसान हुआ है और कितने लोगों ने अपना दम तोड़ा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तुर्की में आए भूकंप से लगभग 10,000 लोगों ने अपना दम तोड़ा है और 42,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं और 10 मिलियन से अधिक लोग इस भूकंप से प्रभावित हुए हैं। और ये निर्णय राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन परिषद की बुधवार दोपहर प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्री परिषद में हुई 10वीं बैठक में लिया गया है। और बैठक में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने कहा कि नेपाल तुर्की को सहायता और चिकित्सा कर्मियों को भेज रहा है और नेपाल और अपनी आर्मी का एक दल भी तुर्की में मदद के लिए भेज रहा है। तुर्की हमारा अच्छा मित्र है, कल जब हम संकट में थे तो तुर्की सरकार ने हमारी मदद की और हमें भी तुर्की सरकार को उसकी पीड़ा में मदद करनी चाहिए। और बैठक में आवश्यक तैयारी करें, जल्द से जल्द मेडिकल टीम, चिकित्सा उपकरण और रसद सामग्री और भोजन भेजने का निर्णय लिया गया है। और नेपाल सरकार फिर से तुर्की की बहुत बड़ी मदद करने वाली है और जिससे तुर्की के लोगों को काफी बड़ी राहत मिलने वाली है। हमारी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।